यूपी के फिरोजाबाद तहसील सिसागंज क्षेत्र में शनिवार को नवागत जिलाधिकारी उज्जवल कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नवीन तहसील के सभागार कक्ष में संपूर्ण संवाददाता दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में फरियादी सुबह 10 बजे से ही अपनी जन शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों से बारी बारी से भी सभी शिकायतों को कुशलतापूर्वक सुनकर कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर जिलाधिकारी उज्जवल कुमार ने बताया कि आज तहसील सिसागंज में आयोजित संपूर्ण संवाददाता दिवस में कुल 56 शिकायतों में 9 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर शेष बची हुई शिकायतों को लेकर संबंधित अधिकारियों को समय अंतर्गत व गुण दोष के आधार पर निस्तारण करने के आदेश कर वहीं समाधान दिवस के बाद फिरोजाबाद जिलाधिकारी एवं कई वरिष्ठ अधिकारियों ने संयुक्त रूप से वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम के पौधों को रोपण कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर एक संदेश दिया। इस दौरान फिरोजाबाद जिलाधिकारी उज्जवल कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व SDM सिसागंज विवेक कुमार मिश्रा एवं विद्युत विभाग के SDO धर्मेंद्र राजपूत व सभी अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। देखिए फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। तहसील सिरसागंज में आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की तहसील दिवस थी, जिसमें हम लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। सभी जिला स्तरीय अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और अभी तक 56 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 9 का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। सब बाकी अन्य जो शिकायतें हैं उसके बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि समयांतर्गत गुण दोष के आधार पर और अच्छे से निस्तारण करें, जिससे कि प्रार्थी को बार बार आना ना पड़े। सभी अधिकारियों को ये भी बताया गया है कि जो भी निस्तारण हो उसके संबंध में प्रार्थी को बताया भी करें, जो आवेदक करता है उसको उसकी उसके बारे में पूरी जानकारी मिले। कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया है यहाँ पर टोटल? 56 शिकायतें प्राप्त हुई, उसमें से 9 का निस्तारण अभी तत्काल हुआ।